बिल्कुल ही कार्टून है अभी। फोन आप फोन आप फोन तो आप फोन आप तो आप तो फोन। तो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक हो गए। तो अभी टाइम शाम के 6 बज गए हैं, 6 बजने वाले हैं बस, तो क्या गए हैं। तो अभी फ़िलहाल शाम को बाहर निकलने की तैयारी है। मेन आज 2-3 काम करने हैं, एक तो कार का कवर लेके आना है और दूसरा बाइक में 2 चीज़ें टूटी हुई है ना, वो सही करवानी है। एक तो आज क्लच वाला टूट गया, बाइक ना 2-3 दिन से लगातार गिर ही रही है, ऐसे खड़ी होती है और किसी ना किसी कारण से कभी कोई गोदा गिरा गया या कुछ, किसी ना किसी कारण से बाइक 2-3 दिन से गिर रही है। तो उसकी 2-3 चीज़ें टूट गई हैं, वो डलवा के लानी है। एक फुटरेस्ट टेढ़ा हो गया, वो सही करवा के लाना है। तो 3-4 काम हैं वो करके आने हैं। तो अभी निकलते हैं, अभी ना हो गया बाइक लेके वो आ जाए फिर निकलते हैं। तो गाइस, मैं पता क्या करता हूँ, मैं ना कार की तारें निकाल के रख देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा चलती नहीं है ना कार, वैसे खड़ी खड़ी की बैटरी डाउन हो जाती है। तो मैं कार की तारें निकाल देता हूँ। रात को जब कार को इधर करा ना, दीवार के पास खड़ी थी, और इधर करा तो तारे लगाई मैंने। और ये देखो, इसको बस मौके चाहिए, कार के तारे लग गई तो चल भाई फटाक से बैठ गया। नहीं तो तेरे को कार में बैठने का बहाना ही चाहिए होता है। तो वैसे मेरे दिमाग से निकल गया कि कार की तारे निकालनी है, मैंने निकाली इसीलिए नहीं कि वापस दीवार के साथ खड़ी करनी है ना। इसको अभी कवर लेके आते हैं, कवर डाल के खड़ी कर देंगे। और ये साहब जी उठाते हैं चाबी और बैठ जाते हैं कार में। अभी बैठो, झूठ क्यों, दोपहर को नहीं बैठा था, दोपहर को तो 1-2 मिनट बैठा था। बार 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 कल लगेगी तारे कल ना। अभी बस कवर ला के इसको साइड में खड़ी करके और कर देता हूँ। तो गाइस ये देखो, ये झूला देखो, इसका झूला ऐसे ये तो है। तो तू कहाँ से ढूंढता है ऐसी तकनीकें तू। ये देखो ये तेरे दिमाग में आती कहाँ से है ये चीजें। क्या क्या कह रहा था तू? सेल्फ नहीं है। तो भाई जी, एक तो इसका ये फुटरेस्ट टेढ़ा हुआ पड़ा है, और एक ये देखो, इसको मैंने बांधा था, ये टूट गया आज गिरने से ना। ये दोनों तीनों चीजें सही करा के लानी है। तो पहले चलते हैं सही करा के लाते हैं। एक और काम है। क्या? इसके सेल्फ ठीक करानी है। सेल्फ नहीं, वो इसको सारा इंजन करवाएंगे ना, तब सही करवा लेंगे। भाई जी ना, बाइक बूढ़ा हो गया ना बेचारा, बार बार गिर जाता है, बूढ़ा हो गया बाइक इसीलिए गिर जाता है बार बार। एक और बात, अब इसका इंजन करवाएंगे ना तब सही होगा। कह रही है कि बैटरी वाली स्कूटी लेनी है। गाइस इसका ना, ये इसमें ये अटकता है ये चीज़, ये वाला टूट गया। ये भैया सही करेगा, चेंज करेगा भी सही क्या करेगा, टूट ही गया ये तो। गाइस इसका ये तो सही हो गया क्लच वाला, तो अब ये वो स्टैंड रह गए, ये गैस वेल्डिंग वाला सही करेगा। चल अपने चलते हैं अब गैस वेल्डिंग वाले के पास। तो गाइस भैया कह रहे हैं कि फुटरेस्ट तो सही हो जाएगा पर स्टैंड का कुछ नहीं हो सकता। गाइस बाइक का काम तो हो गया, अभी कार का कवर लेते हैं चल के।
गाइस देखो धान मंडी में कैसे गट्टे गट्टे सरसों कणक आ रखी है। अरे 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 बहुत बड़े ये सारी सरसों और गेहूं आ रखे हैं, पूरी सड़कें भर रखी हैं। तो गाइस हम आए हैं कार का कवर लेने गोविंद बैग हाउस पे, और ये तीन कलर दिखाए हैं भैया ने। हमें ये वाला पसंद आया, मीनू को ये कलर नहीं पसंद। इसकी क्वालिटी बढ़िया है, ये लो क्वालिटी का है, ये मीडियम का है, तो कलर के कारण हम ये ले रहे हैं, नहीं तो ये लेते। तो फाइनल हमने ये करा है, तो अभी इसको लेके जाते हैं और कार के ऊपर डाल देते हैं। हमने ये की रिंग भी लिया है, तो अभी चल रहे हैं अगर ये कवर और ये की रिंग लिया। तेरे को पसंद आ गया? मेरे को तो टॉर्च पसंद आई है। चल गाइस, कवर तो बाइक भी ठीक करा लिया, बाइक में जो कुछ ठीक कराने वाला था थोड़ा बहुत वो करवा लिया, और कार का कवर भी ले। कवर मीनू को जो कलर पसंद था वही लिया, ज़्यादा बढ़िया वाले का ना कलर बढ़िया नहीं था उसमें, या तो ब्लैक कलर था, वो ब्लैक कलर कार के लगने का डर रहता है, कलर उतर जाता है उसका, और या वो था वो पीच सा कलर था, वो फिर मीनू को पसंद नहीं आया कलर, तो हम ये वाला ग्रे वाला कलर ले आए। तो अभी घर पे पहुंचे हैं, तो पहले ना कवर डाल के देख लेते हैं कि कार पे पूरा आता भी है कि नहीं, कहीं छोटा तो नहीं है, तो उसको पहले डाल के अच्छी तरह चेक कर लेते हैं। और उस पर मार्किंग भी करनी है, क्योंकि उस पर स्ट्रिप एक ही दी हुई होती है, तो मैं लगाता हूँ आगे पीछे और दो साइड में एक्स्ट्रा स्ट्रिप लगाता हूँ, जिससे उसकी पकड़ मजबूत बनी रहती है ना। जैसे कल फुल आंधी आई थी, तो उस आंधी में तो कवर एक मिनट नहीं रुकता, उड़ के चला जाता है, उतर जाता है सारा, तो उससे अच्छा मैं स्ट्रिप ज़्यादा लगा देता हूँ ताकि इसकी पकड़ मजबूत बनी रहे। तो पहले कवर को डाल के देखते हैं अच्छी तरह से कि पूरा भी है कि नहीं, और मार्किंग कर लेते हैं जहाँ जहाँ तनियाँ लगानी है अपने को। तो गाइस पापा भी कार पे कवर डाल के देख रहे हैं, बड़े स्टाइल से कवर डाल दो है ना पापा। तो गाइस कार के कवर तो पूरा आया है, बस अब मार्किंग करनी है, क्योंकि एक तो मैं यहाँ आगे स्ट्रिप लगाता हूँ, एक ऐसे ही बिल्कुल बैक साइड पे लगाता हूँ, और दो यहाँ साइड में है। ये जो बीच वाली होती है ना जो कवर के साथ आती है, ये तो काम की नहीं होती। एक मैं यहाँ लगाऊंगा और एक इस वाले टायर के साथ लगाऊंगा, इससे क्या है कि कवर की पकड़ मजबूत बनी रहती है और फिर हवा में उड़ता नहीं है कवर। तो अभी मैं इसकी मार्किंग कर लेता हूँ और इसको उतारते हैं, फिर इसकी तनियाँ लगवा लेंगे। A few moments later. तो गाइस रात के बज गए 10:30, और ये देखो इसका कार का फीवर देखो, कहीं की रिंग लेके आए हैं ना नया, तो कार की चाबी देखो इसने कैसे टांग रखी है टी शर्ट पे, अलग यहाँ नहीं टांगते। मुझे पता है पैंट में टांगते हैं और यहाँ पे भी टांग सकते हैं, ऐसे टांग सकते हैं। बिल्कुल ही कार्टून है। फोन तो गाइस डिनर हमारा आ चुका है, डिनर में है पनीर की भुर्जी, दाल और रोटी, तो अभी हम डिनर करेंगे। तू किसके साथ खाएगा, दाल साथ पनीर साथ? पनीर की भुर्जी के साथ। चलो तो गाइस अभी हम डिनर करते हैं। तो गाइस डिनर हमने कर लिया है, तो अभी फिलहाल लाइट बार बार आ जा रही है ना, तो उसी चक्कर में ना बार बार काम रुक रहे हैं, खास करके जो शेक बनाना है ना, शेक का सामान सारा तैयार करा पड़ा है, और ये ना हो कि लाइट मौसम ज़्यादा ख़राब हो जाए और लाइट चली जाए और शेक बनाने से रह जाएं, तो पहले जो लाइट में करने वाले काम है वो काम निपटा लें, क्योंकि मौसम ख़राब हो गया तो लाइट फिर 3-4 घंटे के लिए जाएगी, फिर पता नहीं कब आएगी। तो मैंने कहा मैं मीनू की थोड़ी हेल्प कर दूँ, तो उससे पहले मैंने कहा कि चलो व्लॉग एंड कर देते हैं। तो गाइस
आज के ब्लॉग का यही एंड करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं गाइज आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।